करनाल के फूसगढ़ में दो गुटों में जबरदस्त झगड़ा होने का मामला प्रकाश में आया है। कई घरों में तोड़फोड़ करते हुए घरों के शीशे तोड़ दिए गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया और झगड़े को शांत करवाने की कोशिश की, परंतु कुछ युवक इतने उग्र हुए कि पुलिस के सामने ही झगड़ा करने पर उतारू हो गए। मौके पर उपस्थित महिलाओं का कहना था कि कुछ शरारती युवक उनके घरों में आकर उनकी रिक्शा, मोटरसाइकिल व घरों के शीशे तोड़ गए और उनको धमकी दे गए कि उनको जान से मार देंगे। वही मौके पर करनाल डीएसपी दलबल के साथ पहुंचे और उग्र हुए ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की, परंतु युवक इतने उग्र थे कि हाथों में लाठी, डंडे और तलवारें लिए गांव में तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गए। इस दौरान वार्ड के एमसी पप्पू लाठर ने बताया कि कुछ शरारती तत्व आपसी रंजिश के तहत यहां पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए, जिनको समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया, परंतु उन्होंने घरों के शीशे तोड़े और कई लोगों को चोट भी मार दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब पूरी तरह माहौल शांत है, रात के समय भी पुलिस यहां पर तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पुरानी रंजिश का मामला लगता है, जिसके तहत युवा उग्र होकर इस तरह की तोड़फोड़ कर रहे हैं, परंतु जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला हुआ है, क्या बात हुई है? भाई, इनका तरकीबी झगड़ा हुआ, ये गांव के ही हैं। हाँ, जिम्मेदार कुछ जिम्मेदार के हैं, कुछ इनके साथ वाल्मीकि बिरादरी से। ये तो पता नहीं रहा कोई इनका क्या झगड़ा। मामला अभी शांत है। क्या बात क्या हुई थी सर? बात बच्चों का झगड़ा हुआ है, उन लोगों ने फिर यहाँ गांव में वाल्मीकि घरों में तोड़फोड़ की। अच्छा, कोई राउंडअप किए हैं कुछ लोग? नहीं, अभी हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है और हम जल्दी राउंडअप कर लेंगे। भाई, सामान की तोड़फोड़ की है, घर के घरेलू सामान की, शीशे, मोटरसाइकिल, व्हीकलों की तोड़फोड़ की है। तीन चार मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ हुई है और एक मोटरसाइकिल जलाई है। कार्रवाई हम एप्लीकेशन लेने की इंतजार में और हम FIR दर्ज करेंगे और आरोपियों की तलाश करेंगे। नहीं, युवा वाल्मीकि लोग, युवा लोग थोड़े उग्र हो गए थे, अब उनको समझा दिया। नहीं, अभी कोई नहीं आया यहाँ पे, ये वैसे किसी ने अफवाह फैला दी, वो गलत किसी आदमी ने वैसे बोल दिया, अभी यहाँ कोई नहीं आया। हम यहाँ मौके पर नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है, हम यहाँ मौके भी मौजूद है, हमने पुलिस फोर्स छोड़ी। हाँ, रात को भी हम यहाँ तैनात रहेंगे। पार्टी को गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ, गिरफ्तार किया जाएगा उनको, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आपस में तनावपूर्ण माहौल ना हो, ये लाइव तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। हम ही खड़े थे भाई। अरे सर, आप उधर थे, यहाँ की बात है, मुझे नहीं पता चल रहे मैं किसका हूँ। फिर मैं काले का हूँ, मैं ऐसे बोल के गया, कौन से काले का है? जाटों में से काले का हूँ। इतने लोग जाटों में से काले का हूँ मैं। तेरा सबर नहीं आया क्या? दमक कर, सबर नहीं आया इतना करवा के? ये कह रहे हैं सबर नहीं आया इतना करवा के? यहीं यहीं लड़के आके धमकी दे के गए, अभी बताओ। तोड़फोड़ भी करके गर्मा, अब ये नहीं लड़के, मैं तो जानता हूँ बच्चे कौन है। दो लड़के थे बाइक पे, कहते इतना मैंने क्या, यहाँ क्यों खड़े हुए, तुम कैसे खड़े हो? नुका सबर नहीं आया इतना कुछ करवा के? पुलिस का भी डर नहीं, पुलिस का भी डर नहीं है, प्रशासन का कोई डर नहीं है? प्रशासन तो हाथ बांधे खड़ा है यहाँ पे, प्रशासन ही मरवाएगा हम लोगों को। हमें खतरा है, ODSP साहब कहते हैं सुबह बच्चों का झगड़ा हुआ, ये बच्चों का झगड़ा नहीं है, ये सीता गैंग का झगड़ा है। देखिए, पुलिस ये सीता गैंग का झगड़ा है, पुलिस इनकी सुरक्षा के लिए मौके पे मौजूद है, मौके मौजूद होते ये काम हो रहा है। प्रभारी SHO हूं मौके का और मैं तुरंत मौके पे पहुंच गया था, अभी मैं मौके पे ही हूं। शांति स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में रहेगी। युवा साथी हैं वाल्मीकि समाज के, मैं इनको बार बार समझा रहा हूं, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनको पूरा न्याय मिलेगा, इनकी इनकी कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल अपना सामान ठाक लेके कल बताओ, वो जो सामान मोटरसाइकिल फूकी वो उसके गैंग का ही बंदा है, सीता गैंग का। उसको दलबीर को जिसके पास केस था जी, कुछ नहीं हुआ जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.